हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने अपने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं लेके आई हूँ मेडिसिनल प्लांट, उसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, आपको पता है इंडिया में डायबिटीज हर घर में है और दूसरे तीसरे घर में डायबिटिक पेशेंट है। तो इंसुलिन जो है वो डायबिटीज के लिए एक रामबाण औषधि है। तो आइए मैं आपको इंसुलिन का प्लांट दिखाती हूँ, उसकी पॉटिंग सॉइल के बारे में बताती हूँ और आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी बताती हूँ कि इंसुलिन कैसे डायबिटीज पेशेंट के लिए एक रामबाण औषधि है। आइए दोस्तों, ये है इंसुलिन प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है केमिकोस्टिस कस्पिडेटस। तो ये एक बहुत ही मेडिसिनल प्लांट होने के साथ साथ ये बहुत ही ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। देखिए दोस्तों, इसकी सारी लीव्स कैसे अरेंज हुई हैं, एक स्टेयर्स की तरह। देखिए आप, पूरी इसकी लीफ एक स्टेयर्स की तरह अरेंज की हुई है। बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी लीफ बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल तरीके से अरेंज होती है। जैसे स्टेयर्स होती है वैसे स्पाइरल तरीके से ये अरेंज हो रही है। तो देखिए, ये है इंसुलिन का प्लांट। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसुलिन प्लांट आपको आम नर्सरी में नहीं मिलेगा। ये आपको हो सकता है किसी नर्सरी में रखा भी हो, लेकिन नॉर्मली ये आम नर्सरी में नहीं मिलता, ये आपको हर्बल नर्सरी में ही मिल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी केयर की। इसके बारे में इसकी केयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इसे एक ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट और थोड़ी सी शेड हो, ठीक है। इसको प्रॉपर धूप भी नहीं चाहिए और प्रॉपर शेड भी नहीं चाहिए, तो हल्की सी धूप और शेड, तो उस जगह पे हम इसको रख सकते हैं। अगर आप इसको कम्प्लीटली सनलाइट पर रख देंगे तो इसकी टिप्स जो होंगी वो बर्न हो जाएंगी। अगर आप कम्प्लीटली सनलाइट पर रखेंगे तो इसकी जो टिप्स होती हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से ना बर्न हो जाएंगी। तो हालांकि मेरा ये कम्प्लीटली सनलाइट पर नहीं है, मैंने भी इसको शेड पे ही रखा हुआ है, लेकिन धूप आजकल बहुत तेज आती है, गर्मी का टाइम है, तो इस वजह से इसकी थोड़ा सा जो टिप्स हैं वो हल्की सी बर्न हो जाती हैं। बहुत ज्यादा शेड में भी ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा धूप हो रही है और इसको बहुत ज्यादा हम शेड में रख दें तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसकी जो लीफ होती है वो काफी थिक और वेलवेटी होती है। ये देखिए, इसकी लीफ जो है वो काफी थिक और बहुत खूबसूरत और वेलवेटी लीव्स हैं इसकी। इस प्लांट की हाइट 2 से 4 फीट तक होती है। अगर आप इसकी हाइट के बारे में हम बात करें तो इसकी हाइट जो होती है वो 2 से 4 फीट तक हो सकती है, और साथ ही साथ इसकी लीफ जो होती है वो हाइट के साथ साथ ब्रॉड भी होते जाती है। देखिए, अभी इसकी हाइट 4 फीट तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी इसकी लीफ इतनी अच्छी और ब्रॉड हो रही है। तो जैसे जैसे इसकी हाइट बनेगी वैसे वैसे इसकी लीफ भी ब्रॉड होती जाएंगी। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी पेट्स अटैक नहीं करते हैं। सबसे आप तो इसलिए आपको इसकी ज्यादा केयर करने की जरूरत ही नहीं है, उस तरीके से कि आपको इसमें कोई पेट्स आ गए हैं, कोई पत्ते इसके लीफ को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके पत्ते को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसमें कोई भी पेट्स इसमें अटैक नहीं करते हैं। इनकेस अगर ऐसे तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर इस पे कोई पेट्स आपको लग रहा है कि है, ऐसा होता है कि ग्रास ओपर्स इस पे आ सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसे कोई पेट्स नहीं आते। लेकिन अगर आप कभी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई पेट्स आ रहे हैं तो आप इसके लिए सिर्फ नीम ऑयल का यूज करें। इसमें से पेट्स हटाने के लिए नीम ऑयल का यूज करें तो उसी से इससे पैड्स सारे हट जाएंगे। बहुत ही अच्छा ऑयल है नीम ऑयल, तो आप इसमें सिर्फ उसी का यूज करें। सर्दियों में बस आपको इसका इतना ख्याल रखना है, गर्मियों में तो ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, लेकिन सर्दियों में इसके लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो जाता है। तो सर्दियों में क्या है कि आप बस इसका इतना ख्याल रखें कि आपने इसको जहां पर रखा है इसको वहीं पर रहने दें, और कोशिश करें कि इसको हवा ना लगे, ठंडी हवा इस पे ना लगे। अगर इस पे ठंडी हवा लगेगी तो फिर ये खराब होने लग जाता है, ये पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा अगर इस पे ठंडी हवा लग जाएगी। तो उस टाइम पे आप इसको अपने अंदर भी रख सकते हैं, इतना अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है तो ये अंदर भी अच्छा ही लगेगा। तो सर्दियों में आपको इसका थोड़ा सा स्पेशल केयर करना पड़ेगा, और समर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समर्स में ये आसानी से सर्वाइव करता है। अब इस पॉटिंग सॉइल के लिए आपको इसको कुछ भी नहीं करना, आप इसमें पॉटिंग सॉइल के लिए 70% आप इसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए, और 10% आप इसमें सैंड ले लीजिए, और 20% आप इसमें कंपोस्ट ले लीजिए।
कंपोस्ट आप इसमें काउडंग कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसमें एक काम कीजिए कि अगर आपके पास नीम की खली रखी हुई है तो एक बड़ा चम्मच आप इसमें नीम की खली डाल दें जब इसकी पॉटिंग सॉइल आप तैयार करें, तो उस टाइम पर आप इसमें एक बड़ा चम्मच नीम की खली भी डाल सकते हैं। और आप इसमें एक चुटकी खाने वाला चूना भी यूज़ कर सकते हो। खाने वाला चूना जो होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसमें और DAP के 7 से 8 दाने भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं है तो ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एक चुटकी खाने वाला चूना भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। अब हम इस पौधे को लगा लेंगे, लगाने के बाद हम इसमें पानी दे देंगे। 10 से 15 दिन हम इसको छांव में रख देंगे, यानी कि हम इसको शेड में रख देंगे 10 से 15 दिन इसको लगाने के बाद। पहली बार आप इसको पानी दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पे आप इसको बहुत अच्छे से पानी दें, दूसरी बार में जब इसको ज़रूरत हो तभी आप इसको पानी दें। हम बात करते हैं कि अब इस इंसुलिन प्लांट को हम अपने डेली रूटीन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको यूज़ करने से पहले, अपने खाने में यूज़ करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप इसके लीफ का टेस्ट कर लें। अगर आप इसकी लीफ का जो इसकी मिठास है आप उसको टेस्ट करें, अगर वो आपको पसंद आती तभी आप इसको अपने खाने में यूज़ करें। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अमृत के समान काम करती है, क्योंकि ये ज़ीरो कैलोरी होती है इसकी लीफ में, इस प्लांट में कोई भी कैलोरी नहीं होती, ये ज़ीरो कैलोरी प्लांट है। और ये ब्लड शुगर के का जो लेवल होता है, ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप इसको अपने रूटीन में यूज़ करते हैं तो ब्लड शुगर के लेवल पे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो आपको हाई नहीं करेगा, ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा नहीं। तो चाय, नींबू पानी के लिए आप इसके ताजे पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाय में मिठास चाहिए तो आप इसके ताजे पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। नींबू पानी में आपको मिठास चाहिए तो भी आप इसके लीव्स का, जो उसी टाइम पर आप इसके लीव तोड़ें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्ते वो पुदीना को मिलाकर आप एक हर्बल चाय भी बना के पी सकते हैं। इसकी आप एक लीफ ले लें, थोड़ा सा पुदीना ले लें। अगर आपको हर्बल टी पीनी है तो ये ऐसे भी ज़ीरो कैलोरी होता है, तो आप हर्बल टी भी आप इसकी पी सकते हैं। एज अ सैलड भी आप इसके पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। बट खाने में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूज़ करने से पहले आप एक बार इसके पत्तों का टेस्ट ज़रूर कर लें ताकि स्वाद के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। हो सकता है आपको इसका टेस्ट पसंद ही ना आए, तो इसलिए आप एक बार इसको पहले यूज़ कर लें। फिर उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा प्रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं तो आप इसके पत्तों को सुखा लें, सुखा के आप इसको पीस लें, पीस के आप इसके पाउडर को एक एयरटाइट जार में रख दें तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 चम्मच इंसुलिन पाउडर 1 कप चीनी के बराबर होता है। इसका अगर 2 चम्मच आप इंसुलिन पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 कप चीनी के बराबर होता है, तो इसलिए आप इसको जब भी यूज़ करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वरना आपका जो भी आप बना रहे हैं इससे, काढ़ा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आपका टेस्ट उसका ख़राब हो सकता है। तो क्वांटिटी का आपको इसमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये खांसी, जुकाम, पेट के कीड़े, त्वचा संक्रमण, आँखों का संक्रमण, दमा, गठिया, फेफड़े और गर्भाशय के संकुचन, कब्ज़, दस्त आदि सभी रोगों में ये बहुत ही कारगर प्लांट है। तो ये सिर्फ एक डायबिटीज़ के लिए नहीं, और प्रॉब्लम्स जो भी डिजीज़ हमारी होती हैं इतनी सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। तो ये बहुत ही मैजिकल प्लांट है इंसुलिन प्लांट। इसकी 2 पत्तियों को पीस कर, अब आप अगर इसको डेली यूज़ करना चाह रहे हैं, डायबिटीज़ पेशेंट को ऐसे मीठा खाना अलाउड नहीं होता है और उनका मीठा खाने का मन करे तो वो क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी 2 पत्तियों को पीस कर 1 गिलास पानी में घोल कर पीने से सुबह शाम दोनों टाइम, एक तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, दूसरी आपकी शुगर की प्रॉब्लम को कम करेगा। तो आप क्या करें, इसकी 2 पत्तियां तोड़ लें, उनको पीस लें पानी में मिला के सुबह खाने से पहले, और शाम को आप 5 बजे के आसपास, खाने से थोड़ा पहले 5-5:30 बजे के आसपास आप इसको, खाली पेट जब आप रहते हैं तब आप इसको आराम से पी सकते हैं। तो आपकी शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ेगी और आपके शुगर को ये कंट्रोल करेगा और आपको हेल्दी भी रखेगा। तो है ना दोस्तों ये मैजिकल प्लांट, तो देर किस बात की है, लाइए अपने घर में इंसुलिन का प्लांट लगाइए। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो उनको आपको मीठा खाने से रोकने की ज़रूरत नहीं है, तो इंसुलिन लाइए और उनको भी मीठा खिलाइए।
तो दोस्तों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा आपको ये इंसुलिन प्लांट का मेरा वीडियो कैसा लगा। अब देर किस बात की, अगर आपके घर में डायबिटीज पेशेंट हैं, अगर नहीं भी है, 0% कैलोरी वाला प्लांट है, अपने घर पर लाइए, हर्बल टी बनाइए और मीठे का स्वाद लीजिए, और अपने अगर आपके घर में कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उनकी शुगर को कंट्रोल कीजिए, मीठा खिलाकर उनकी शुगर को कंट्रोल कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट के साथ। ये अपनी जो वीडियो की सीरीज है स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए लेके आई हूँ। आज मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बताया है, अभी मैं कुछ टाइम बाद अपना दूसरा वीडियो डालूंगी, उसमें आपको मैं दूसरे प्लांट के बारे में बताऊंगी कैसे शुगर पेशेंट के लिए रामबाण औषधि है और कैसे उनको आप अपने घर में लगा सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए प्लांट के साथ। थैंक यू।